नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वली। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्स एमपी विष्णु जी। हम उनसे आज एक स्पेशल इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आज हमें उनसे डिगलीपुर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि डिगलीपुर क्षेत्र में आए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कुछ कुछ चीज़ इनके बारे में। तो पहले उनसे बात करते हैं। आज पहले तो स्वागत करते हैं सर हमारा चैनल में आपका। सर, जानना चाहेंगे आप अभी जो है डिगलीपुर में ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर रहे हैं, जितना हमें पता चला है सर, क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या क्या मुद्दा सामने आया है जो यहाँ पर काम होना चाहिए आपके तरफ से? एक तो नेशनल हाईवे काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ जी। जो रोड गांव का वितरण, जिसको डिस्क्रिप्शन आपको सुनाया अमित के पत्र में था, पूरा पीएम जेएसवाई का रोड का फंड पड़ा है, रिवाइज किया गया, वो काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री का एसएफसी फंड फंड दिया, रिवाइज किया, उसका अवार्ड नहीं हो रहा है। थर्ड, ब्यूटी फंड पीडब्ल्यूडी का 36 किलोमीटर रोड यहाँ कम से कम बनना था, फंड तो आया, काम क्यों नहीं हुआ? वो छोड़ के पंचायत में रास्ता, गांव में जाओ, रास्ता गड्ढा पड़ा है, समिति को फंड नहीं मिला, जिला को फंड नहीं, प्रधान को फंड नहीं। जो 1.5 साल में जो हुआ जी, उसके लिए मैं अनुरोध करूँगा उपराज्यपाल महोदय, आप देखो, आपको देखने के लिए सरकारें बनाया इधर में, क्यों नहीं मिला, कारण क्या था? पहले तो था, इसलिए कुलदीप चुप क्यों रहा? उनका पार्टी का पंचायत है, पर हमारा पार्टी पंचायत भी है। एक समस्या ग्रामीण समस्या रह गया, किसान को खाद का समस्या जी, हॉस्पिटल का बहुत मुश्किल से, जो मीटिंग हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, उसके इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। स्कूल का तो बुरा हालत है, मॉडल स्कूल में पॉलिटेक्निक खोलना था, नहीं हुआ। वो छोड़ के हम यह देखा लोगों में, एक अच्छा लगा कम से कम, जो अंडमान में आज जो ओएफसी के मिल खोलने का बाद काफ़ी लोग को टूरिज्म में बिजनेस शुरू किया था, ऑनलाइन काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ लोग को रोजगार कम से कम मिला, बैंक उन लोग को अच्छा मात्रा में लोन दिया। ये मोरलेस हम लोग को तकलीफ देखा खास करके। सर, आपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब आपने एक बात बोला था कि हम अपने पार्टी यानी भाजपा के ओर से माफ़ी मांगते कि NH रोड कंप्लीट नहीं हुआ, इतना दिन में होना चाहिए था, क्योंकि हमने वो चीज़ें लाया था यहाँ पे। तो ये जो आपने माफ़ी मांगा सर, किसके तरफ से मांगा, आपको क्या लग रहा है जो लीडर्स है आपके भाजपा में वो लोग भी काम नहीं करे ग्राउंड लेवल पे उतर के? देखिए, नेशनल हाईवे पर जिस, मैं फिर कहता हूँ, एक घर का बात मैं बाहर नहीं कर सकता हूँ। एक बात सही है, ये मैं विष्णु बद राय संगठक के नाते, संगठन बना के नाते, जो काम हम लोग को करना था वो काम हम लोगों ने नहीं किया, उसलिए मैं कम से माफ़ी मांगता हूँ और वादा भी करता हूँ एक काम मैं पूरा करके जाऊँगा। सर, ये काम, जैसे कि हम, सबसे बड़ा सवाल सर, इस बार कुछ दिन है सांसद जो MP इलेक्शन आने वाला है, और आप एक XMP रह चुके हैं, और अभी बहुत बड़ा सवाल चल रहा है कि इस बार टिकट किसको मिलेगा, क्या लग रहा है आपके तरफ से क्या होना चाहिए? हम क्या आपको देख सकते हैं उस कैंडिडेट में खड़े होने होंगे, ऐसा कुछ? आपको मैं 2 इंच दे रहा हूँ जी। माननीय मोदी जी, जो एयरपोर्ट ओपनिंग हुआ था जी, लाइव टेलीकास्ट किया था जी, एयरपोर्ट के भाषण में उन्होंने क्या कहा था आप सब लोगों ने सुना, LG भी सुना, एडमिनिस्ट्रेशन भी सुना। एयरपोर्ट इंटरनल जिस पीरियड में विष्णु जी थे तब शुरू हुआ था जी। और विष्णु जी हर हफ्ता में जाएगा PMO में, ओपनिंग कब करेंगे, ओपनिंग कब करेंगे, ये व्यक्ति का नाम लिया था जी। ऐसा विचार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा एक्टिव MP मोदी किसी के बारे में नहीं बोला हमको छोड़ के जी। ये मालूमी क्या उनकी इच्छा था। अमित शाह जी से मिलने में गया, तब पता सिर्फ 19 तारीख को जी। अमित शाह जी मुझे बोला, विष्णु क्या करना है आपको, बैठना नहीं, घर घर काम शुरू करना, काम शुरू करो। ये मैं काम शुरू कर दिया, ये क्या सिग्नल है आप समझो, बग समझे। और मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर, मैं तो बाकी कुछ किया नहीं जी। यदि जनता मुझे चुने और पार्टी मुझे टिकट दे, मुझे समर्थ है, मैं काम कराया बिना पैसा खा के वो काम पूरा करूँगा। सर, कहीं ना कहीं हम, अब MP इलेक्शन होने वाला है, 4.5 साल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन
एज ए एक्सएमपी अब विष्णु जी को हम लोग पहले जो देखते थे, लेकिन ये 4 साल में हमने बहुत कम देखा है ग्राउंड लेवल पे। अब जब इलेक्शन, क्योंकि ये जनता का भी सवाल होता है, कई सारे ऑपोजिशन पार्टी भी करते हैं सर, तो अब जो है उनको ग्राउंड लेवल में ज़्यादा दिख रहा है। सबका यही कहना है कि शायद इलेक्शन आ रहा है इसलिए, शायद नहीं है जी। अमित शाह जी मुझे बोला, ये आपको पहले बोला जी, अमित शाह जी चिट्ठी मोदी जी को दिया था, मोदी जवाब दिए मेल में हमको, फ़ोन करके बोला अमित शाह जी से मिलो जी। अमित शाह से मिला, अमित शाह जी मुझे हमला क्या आदेश है, विष्णु जी आप पूरा काम में उतरो, काम शुरू करो, सॉरी प्रधानमंत्री का फंड, SFC फंड, रास्ता PMJSY, पास्ता PWD फंड, ये फंड रोड क्यों ही बनता है, क्वारी हम लोग को क्वारी का मटेरियल ज़्यादा जरूरी है 1.5 लाख क्यूमीटर दिया, 47 किलोमीटर क्या होगा, पुनः आवास का बिना घर नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्वारी का परमिट क्यों नहीं दे रहा है, एक के लकुना क्यों है। LG साहब को कल LG साहब को सुनाऊंगा अपना बस दर्द, 7 साल हो गए LG साहब, आप डिग्री पर दौरा कर आओ, तो हालत को देखो, अरे एक काम को करना है, इसलिए आपको बैठाएगा सरकार ने, प्रधानमंत्री का फंड काम नहीं हुआ, LG साहब आपकी जनता अकाउंटेबल नहीं है, PM से अकाउंटेबल है, LG साहब आप तो अंडमान के इलेक्ट्रॉनिक का बना है, 7 साल हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोड क्यों नहीं हो रहा है, आपका बना हुआ प्लान फंड खर्चा नहीं हो रहा है, फंड सांडर हो जाएगा, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी ठिकाने के लिए, सुनने के लिए, जनता को एडमिशन को जानकारी देने के लिए और दिल्ली में ये जानकारी पहुँचाने के लिए ये मैं कल मीटिंग कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है जितना दिन जो भी लीडर्स है सत्ता में वो लोग ये चीज़ें नहीं पहुंचा रहे, आपके तरह आपका ये कहना है सर? देखिए एक तो एक MP था जी, श्री कुलदीप शर्मा जी है सर, कुलदीप शर्मा जी भी है जी। ये व्यक्ति एक बनाया पार्लियामेंट क्वेश्चंस, ये नेशनल हाईवे राज काम हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हुआ, कब होगा, क्वेश्चन पार्लियामेंट नहीं करेगा जी। क्वेश्चन पार्लियामेंट करने से पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा, स्कूल में साइंस नहीं है, प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रिंसिपल नहीं, पहले क्वेश्चन क्यों नहीं किया, आप तो अपोजिशन लीडर थे, क्यों नहीं किया, तब करो, मेडिकल कॉलेज में बहुत प्रॉब्लम्स है, आप क्यों क्वेश्चन नहीं किया, आंसर क्यों नहीं मांगा, आपने आम जब अंडमान में थे तो याद करो खेती डूब गया था, याद है आपको, चिदंबरम था गृहमंत्री, उसी पेट में घेरा था, हंगामा किया था, 9 लाख देगा पर हेक्टर, हम दिल्ली गया था, रास्ते में जेल में गया, हंगामा किया, लड़ाई की मैंने, आप कहाँ था कुलदीप शर्मा जी, आप तो MP बन के अभी कुछ अभी और रुपये दिए नहीं, 9 लाख को आम पास करेगा 34 लाख करके गया, वो अभी तक नहीं करा है आपने, रात भर सोया था हमने लड़ाई करके, तब पैसा आया 34 लाख देगा, 9 लाख के बदले में 34 लाख, अभी तक कुलदीप भाई पार्लियामेंट क्वेश्चन आपने क्यों नहीं किया, मोशन मूव क्यों नहीं किया था गवर्नमेंट के खिलाफ में, आम तो मूव किया था भाई पर बेच दिया था आपने, धरती बेचा आपने, मोशन मूव किया किसके खिलाफ में, मनमोहन सिंह के खिलाफ में, डिफेंस एंटनी के खिलाफ में, एंटनी माफी मांगा बाद में, गलती किया बेकी बेबी कर हम लोग, आप क्यों नहीं किया बताओ, आपको जनता चुने किस लिए, वॉचमैन आप क्या रोल है, आप विरोधी का रोल अदा करता नहीं, कुछ बोलता भी नहीं, तो LG से बैठ के क्या बात करता आप, क्या बात LG से होता है, आपका सुनता है LG को दौड़ दोस्त है तो काम क्यों नहीं कराए सर, आपका अभी तक बात हुआ सर ये मैटर लेके LG से, अभी तक LG से बात पहले हुआ, फिर जाके मिलूंगा, बद्दी मन दूंगा सर। नॉर्थन मिडिल को बोला जाता है, देखिए 12 टांग से लेकर पूरा डिगलीपुर सबका भी वही चीज़ लेकर लड़ रहे जो PR है, कि यहाँ पर ध्यान सरकार नहीं दे रहा है, कंपेयर करें साउथ से पोर्ट ब्लेयर से तो वहाँ जो जो चीज़ें है अवेलेबल, यहाँ पे उस चीज़ से जो है डिवोशन हो रहा है सर, हॉस्पिटल ले लीजिए, स्कूल ले लीजिए, जो भी है, ये सही बात है सर, यहाँ क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, खास करके मैं कहूँ जी, ये जो 1.5 साल जो नया गवर्नमेंट का कुलदीप का करीब 5 साल जी, इसमें काम सही नहीं हुआ, इसका जिम्मेदारी किसको था, सांसद कुलदीप का था जी, ये चुपचाप रहा, उत्तरा ब्रिज बन गया बॉर्डर में क्यों नहीं बना, आम जब सांसद था उत्तरा ब्रिज को पत्थर नहीं दिया, उत्तरा ब्रिज कैसा बना, सांसद था इन्हें तो नया लेके आया था, क्या थिएटर पूछे थिएटर रास्ता कैसा रहा,
अभी सी पी कार्ड में दोबारा फ्लेवर बनता नहीं बनता, बन रहा है, ये तो नेशनल एक काम था, तो आपने चुप क्यों रहा, काम क्यों नहीं कराया? लेकिन सब आप क्यों काम नहीं कराए नहीं? और बाकी हमारा पार्टी को करना था, सच बोलता मैं, जरूर सब करना था, किसी कारण से हुआ नहीं जानता नहीं, जो दायित्व मुझे दिमाग दिया मैं काम कर रहा हूँ। वही सर, बार बार वो सिर्फ दूसरे पार्टी के नहीं भाजपा पर भी सवाल उठ रहा है सर, एनएच को लेकर अभी तक भाजपा के ओर से एक भी धरना या कुछ एक्टिव कुछ नहीं हुआ है। आपका बात मैं खंडन नहीं करूँगा जी, एकदम सही है, सही है जी। मैं पिछली बार गाटकर से मिल के आया था जी, ये चिट्ठी अमित शाह को दी, आप सब दिखाया सुनाया, अमित शाह से मैं मिला, प्रमाण दिया, डॉक्यूमेंट भी सुनाया, गाटकर से मुलाकात किया, बट गाटकर से मिलने से नहीं होगा, उसके लड़ना पड़ता था, लड़ाई हमको कर लो करना था, नहीं है, मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, किसी कारण से त्रुटि हो चुका है, शिकार में कारण तकलीफ क्या है? कहीं ना कहीं मानते हैं सर, जो हुआ है आपके पार्टी का जो लीडर, मैं शिकार करता हूँ, मैं विश्व मदर है, एक त्रुटि पार्टी को हुआ, इसको लेके जो लड़ना था, हंगामा करना था, विरोध करना था, वो हम लोगों ने किया नहीं, उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं जनता से, ये शिकार करता हूँ, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, चुप क्या है? हम क्यों नहीं कर सका, ये आत्मकथा आपको नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, ये आत्मकथा है, ये इसको ये आत्मकथा क्या है वो हमको आप नहीं बोल सकता, अभी आदेश हुआ, काम शुरू किया। तो आने वाला वक्त हम देखेंगे सर को काम करते हुए ग्राउंड लेवल पे, अभी जितने दिन भी है सांसद का जो इलेक्शन आने वाला है उस चीज़ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन को जवाब भी दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहे वी न्यूज़। धन्यवाद, आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा, सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।